ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से पूरे देश भर को अलर्ट किया है। कई राज्यों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर की बात करें तो कई मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का मामला नहीं मिला है, लेकिन हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने सभी स्टेशनों पर कोरोना की जांच किए जाने की बात कही है, लेकिन भागलपुर स्टेशन पर कोरोना की जांच की स्थिति क्या है वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग एक जगह बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर यहाँ पर है ही नहीं। और जो यात्री अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, गांधीधाम से 10:45 रात में अभी ट्रेन पहुंची है भागलपुर, जितने भी यात्री उतरे वो सीधा निकलकर स्टेशन से बाहर हो गए। कोरोना जांच यहां पर नहीं हुआ। 4 शिफ्ट में कोरोना जांच होने की बात कही गई है, लेकिन उस टेबल पर आप देख सकते हैं कि कोई नहीं है, कुर्सी वहां पर पड़ा हुआ है। कोरोना जाँच किस तरह से भागलपुर में हो रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अलर्ट मोड में रखा गया है, लेकिन क्या इस तरह से अलर्ट होगा? ये जो कोरोना जांच के नाम पर अधिकारी या फिर कर्मचारी यहाँ से गायब हैं, उसका जवाबदेही कौन लेगा? कई राज्यों से ट्रेन पहुँच रही हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो या फिर कोलकाता हो, कई राज्यों से ट्रेन आ रही हैं। जहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं वहाँ से ट्रेन पहुँच रही है, लेकिन जाँच किस तरह से हो रहा है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहरहाल सरकार इस पर कितनी कार्रवाई करती है और स्वास्थ्य महकमा कितना सचेत होता है यह देखना लाजमी होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर।